तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं राजमा की रेसिपी। बहुत ही कम है, बहुत ही झटपट ये बनती आती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। आप इसको राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। राजमा बनाने के लिए यहाँ पे हमने राजमा लिया है, जिसको हमने कम से कम ओवरनाइट के लिए इसको सोक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, और अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम कम है तो आप इसको कम से कम जो है 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा दीजिए, तो भी ये अच्छे से फूल जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल चुका है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, यहाँ पे जो हमने राजमा को भिजा के रखा था उसको हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब ये ख्याल करिएगा जो इसमें राजमा को जिस पानी में आपने भिगोया था वो पानी आपको इसमें बिल्कुल भी डालना है। सिर्फ इस तरह से आप जो है इसमें राजमा को डाल दीजिए। इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसमें जो हम पानी डाल देंगे, पानी आपको इतना डालना है कि वो जो है राजमा के ऊपर रहना चाहिए, या फिर आप इस तरह से उंगली से भी नाप सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है इतना हमारा पानी के ऊपर ही जो है राजमे के ऊपर हमारा पानी इतना रहना चाहिए, तब इससे हमारा राजमा जो है अच्छे से जो है पक जाएगा। अब इसी के साथ इसमें 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही नमक डाल दीजिए कि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 1 प्रेशर आने तक के पका लेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 8 मिनट तक के पकने देंगे। इधर हमारे कुकर में एक प्रेशर आ गया था, आप देख सकते हैं इसका प्रेशर जो है वो खुद से निकल चुका है। यहाँ पे हमने इसको 5 से 8 मिनट के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दिया था। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है हमारा राजमा जो है वो पक चुका है। बस इसी तरह से इतना ही, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गल चुका है। बस इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। बस आप इतना ही इसको पकाइएगा, ये अच्छे से गल जाए। अब इसको हम साइड रख देते हैं, चलिए इसकी आगे तैयारी करते हैं। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया, इसमें 1 कप तेल डाल दिया है। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक एकदम स्लाइसेस में कट कर लिया। इसमें इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिएगा, इसको हमें तेल में डाल देना है। डालने के बाद से गोल्डन फ्राई होने तक के हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखा है, हाई फ्लेम पे हम चलाते हुए अच्छे से जो है ना इसको फ्राई कर लेना है। जिस तरह से आप बरिस्ता वगैरह तैयार करते हैं उस तरह से आप इसको फ्राई करते हुए तैयार कर लेना है। इधर हमने प्याज को चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है, इसका गोल्डन कलर सा एकदम आ चुका है। अब इस स्टेज पे हमें जो है इसमें से प्याजों को निकाल लेना है। निकाल के एक प्लेट में इस तरह से आप तेल को निकालते हुए प्याज को इसमें से निकाल लीजिए, निकाल के एक प्लेट में फैला दीजिए ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। इधर हमने इसमें से प्याज निकाल ली, प्याज को हमने फैला दिया, प्याज हमारी ठंडी हो जाए। अब उसी तेल में जो है अगर आपके पास तेल कम है तो इसमें यहाँ पे आप 1/2 टेबल स्पून तेल और डाल लीजिएगा, बस जिसमें तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 2 तेज़पत्ता डाल दिया है हमने यहाँ पे, 1 थोड़ा दालचीनी के डाल दिया है, 1 हमें यहाँ पे छोटी इलायची डाल देना है, 1 टी स्पून इसमें हम जीरा डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रख दिया था क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म था। उसमें आप मसाला डालेंगे तो मसाला वगैरह हमारा जो है वो जल जाएगा। अच्छे से सभी मसाले हमारे तेल में तलक जाएंगे तो इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे 4 हरी मिर्ची थी, इसको हमने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, इसको भी डाल देना है। डाल के चीज़ों को हमें अच्छे से इसको भून लेना है। फ्लेम को यहाँ पे आप स्टेज पर मीडियम टू हाई कर लीजिए, हाई फ्लेम पर अच्छे से अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को हमें भून लेना है। इधर हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ था, लो फ्लेम पे हमने अदरक लहसुन और हरा मिर्ची आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भून चुका है। इसमें से बहुत अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें 1/2 टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ डाल के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भून लीजिएगा चलाते हुए। इसमें से भी एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लगेगी, हल्दी जो हमारी अच्छे से भूनने लगेगी। आप बहुत हाई फ्लेम करेंगे तो हल्दी वगैरह जो है वो जल जाएगी। इधर हमारी हल्दी भी मसालों के साथ अच्छे से भून चुकी है, अच्छी से एक सुंदर से खुशबू आने लगी। अब यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, कप से लेंगे तो यहाँ पे 1 कप है। इसकी हमने प्यूरी बना ली है, इसको ग्राइंडर में डाल के आप पेस्ट बना लीजिए और डाल के इसमें डाल देना है। इसी के साथ ही यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें 1 टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 टी स्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे जो है हमारे जो है तीखा नहीं होती है और कलर बहुत ही अच्छा ग्रेवी का आएगा। यहाँ पर जो है 1/2 टी स्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1/2 टी स्पून यहाँ पे हम होममेड गरम मसाला पाउडर डाल देंगे।
डाल के जो है सभी मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। राजमा में पहले ही हम जो है नमक वगैरह जो है वो डाल चुके हैं, इसलिए नमक क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे हाफ टी स्पून इसमें हम नमक और डाल दे रहे हैं। डाल के मसालों के साथ भून लेंगे, क्योंकि मसाले वगैरह के हिसाब से यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून इसमें नमक डाला है। अब नमक जो है बाद में चेक भी सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी और बढ़ा लेंगे। अब इन मसालों को हमें चलाते हुए अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर लेनी है। इधर जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, हमारी प्याज एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमने टमाटरों को भी डाल के चलाते हुए अच्छे से भून लिया। सभी मसाले वगैरह हमारे बहुत अच्छे से भून गए, आप देख सकते हैं तेल जो है बहुत अच्छे से छूट गया, मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे जो हमने प्याज को अपने पेस्ट बना के रखा था उसको हमें डाल देना है। यहाँ पे आप बहुत ही कम पानी का यूज़ करिएगा, इसी तरह से हो सकता है ग्राइंडर में डाल के कोशिश करिएगा पीस जाए। अगर नहीं पीसा तो यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून से पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब इसको भी हमें इसमें डाल देना है। डाल के इसको भी अच्छे से आप भून लीजिए। फ्लेम को यहाँ पे आप हाई कर लीजिए, हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। इधर हमने प्याज डाल के भी अच्छे से मसालों को भून लिया। आप देख सकते हैं तेल वगैरह हमारा बहुत ही अच्छे से छूट गया है, मसाला हमारा एकदम ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे जो हमने अपने राजमा को बॉईल करके रखा था इसको हमें इसमें इस तरह से उलट देना है। इस तरह से सभी राजमा को हम इसमें डाल देंगे। डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर हमने राजमा को इसमें डाल दिया, आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इस तरह से इसकी रहनी चाहिए। आप पानी इस तरह से डालेंगे अगर राजमा को बॉईल करते वक्त तो आपका ग्रेवी बिल्कुल सही उतरेगा। यहाँ पे आपको पानी और ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पानी कम है तो इस स्टेज पर आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और आप हल्के हल्के स्पून की मदद से जो है हल्के हल्के से राजमा को इस तरह से मैश कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है, थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाता है, तो इसका फ्लेवर जो है ग्रेवी में आ जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में। इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से बस थोड़ा सा जो है मैश कर देना है। 25% तक के आपको राजमा को जो है इसे मैश कर देंगे, तो इससे ग्रेवी की जो थिकनेस भी अच्छी से हो जाती है और इसका फ्लेवर भी इसमें उतर जाता है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से हमने इसको मैश भी कर दिया। इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। इधर हमारे राजमा को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पक रहा है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली थी जिसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसको हाथों से क्रश करते हुए हमें डाल देना है। 1/4 टीस्पून इसमें हम गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और स्टेज पर आप नमक वगैरह भी चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो स्टेज पर नमक भी डाल दीजिए। डाल के आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसी के साथ ही 1 मुट्ठी इसमें हरा धनिया डाल देंगे, डाल के सभी चीज़ों को चला देंगे। चलाने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसको कवर कर देंगे, और कवर करके इसको 2 मिनट और हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इसी तरह से पकने देंगे। इधर 2 से 3 मिनट हो गए हैं राजमा को पकते हुए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा राजमा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, और फिर इसके बाद इसको सर्व कर लेते हैं। इधर हमारा राजमा एकदम तैयार है, अब इसको गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व कीजिए। आप इसको जो है राइस के साथ सर्व कीजिए, राजमा और राइस बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजे लगता है खाने में। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये झटपट से बनकर तैयार होता है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं देखने में जितने मजे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं।